डियर स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी निकालना है, लेकिन ये निकलेगा हम सबों के सम्मिलित प्रयास से। हम लोग एकजुट इन सारे बुक्स को, टॉपिक्स को लेकर और अपना बेस्ट तैयारी का लेवल देकर इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ये एग्ज़ाम निकलेगा, ये एग्ज़ाम निकलता है, लेकिन जो मिथ क्रिएट हो गया है, ये पढ़ना, वो पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ना और एक साल पीछे का टॉपिक्स उठा उठा के पढ़ रहे हैं, ये सब से बचकर हम लोग अपना जो लेवल बेस्ड है इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएं। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में फाइनली आपको इसका ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप अपना लेवल बेस्ट देने का प्रयास करें। हर किसी के पास लिमिटेड टाइम है, हर कोई व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बिजी है, शेड्यूल्ड है, तो वहाँ पर से स्टडी के लिए आपको टाइम निकालना है। लेवल बेस्ट ये मानकर चलें कि आने वाले 3-3.5 महीने जो एग्ज़ाम के लिए हमें मिल रहे हैं, उसमें हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आप देखेंगे कि प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। दूसरी बात, बिहार, जो बिहार का स्पेशल है, बिहार का करेंट है, नेशनल करेंट है, ये सब हम लोग करेंगे। आप सिर्फ पेशेंस रखें और अपना लेवल बेस्ट देने का प्रयास करें। जो आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं वो आप कंप्लीट करें। ये सब जो आप बोल रहे हैं वो सब भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे। आज एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है, इंडियन पॉलिटी का, तो पॉलिटी का एक टॉपिक ऐड हो रहा है, तो आज आपके टॉपिक्स की संख्या भी बढ़ चुकी है। हर तीसरे दिन आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं। याद रखें कि आने वाले दिनों में ये 2 दिन पर मिलने लगेंगे, अभी आपको 2 दिन बाद तीसरे दिन मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में ये हर दूसरे दिन मिलेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहें। चलिए आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक आपका है, आपने स्वायत्त राज्य, जो नवीन स्वायत्त राज्य हैं, नए नए जो कुछ देसी राज्य गठित हुए, जैसे अवध है, हैदराबाद है, कर्नाटक है, बंगाल है, सिख राज्य है, ये सब हम लोगों ने किया कुछ ऑटोनोमस स्टेट्स को लेकर मॉडर्न इंडिया में। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेनेसां, यानी पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यानी 1857 के महासंग्राम के बाद पुनर्जागरण काल आया, तो पुनर्जागरण, फिर से जागना, कहाँ जागना, कहाँ से जागना, कैसे जागना, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब ये कि यहाँ पर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उसको सत्य शोधक समाज आंदोलन, देव समाज, वेद समाज, ये सब आपको डिटेल्स यहाँ पर करने को मिलेगा। क्रॉन लुसेंट दोनों में ही ये सेमिनार्स फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ ही बॉक्स बनाकर कुछ जो संस्थाएं हैं उनके संस्थापक, उसके बाद क्षेत्र, उनके उद्देश्य, उनका कुछ थीम, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप यहाँ पे करें। साथ ही एनसीईआरटी भी हम लोग कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में भी ये आगे आपको दिखाई देगा। उसके बाद ज्योग्राफी में एक टॉपिक जो हम लोग लेते हैं, आज हम लोग लेंगे भारत की जलवायु, तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, तो भारत की जो अलग अलग जलवायु है और अलग अलग जलवायु प्रदेश हैं उनके डिटेल्स यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो जितने 4 प्रकार के मुख्य जलवायु हैं, तो शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बरसात का, वर्षा ऋतु, ये सब के साथ मॉनसून का प्रभाव, अल नीनो, ला नीना, ये भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। साथ ही कोपेन के द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण है वो यहाँ पे आपको एक बॉक्स में दिखाई देगा, क्रॉन में विशेष रूप से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लुसेंट में भी है। ये जो कोपेन साहब ने डिवीज़न किया कि किस तरह से गंगा घाटी या तमिलनाडु या मध्य प्रदेश या पूरे भारत का पठारी पहाड़ी प्रदेश किस किस क्षेत्र में विभाजित, किस आधार पे है, ये विभाजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो AWS, CWG, ये सब BPSC में 63वीं में CWG के बारे में पूछा था कि कोपेन के द्वारा जो विभाजन है जलवायु का, CWG के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें मुख्य रूप से गंगा घाटी या राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके कुछ कुछ क्षेत्र आते हैं। तो ये विभाजन आपको यहाँ पर एक रफली, डिटेल्स में तो आप यहाँ पे ऑप्शनल वाले लोग ही समझेंगे इसे, कोपेन साहब का जो जलवायु का, क्लाइमेट का डिवीज़न है, वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो ज्योग्राफी के ऑप्शनल वाले लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं, हमें इसे GK GS के रूप में पढ़ना है। तो बहुत डीप नहीं जाना है, आप रफली समझ लेना है कि AW या AS में कौन सा जलवायु प्रदेश आ रहा है, तो इस तरह से विभाजन आपको दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2 साइंस का टॉपिक लेते हैं, आज हम लोग ले रहे हैं केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में आपको यहाँ से दिखाई देता है, यानी ऐसे एलिमेंट जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं ऑटोमेटिकली, यहाँ पर आपको अल्फा, बीटा, गामा जैसे अदृश्य रेज का विखंडन के बाद इनका इमिशन आपको दिखाई देता है, तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थों, यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, ये सब आपको दिखाई देगा। तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा रेज का कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना है कि ये किस तरह के रेज हैं। साथ ही जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उसमें एक अल्फा रेज के निकलने से
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे क्या अंतर पड़ता है, ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये आप ज़रूर समझें। साथ ही नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, एटम बम और सूर्य की ऊर्जा का आधार क्या है, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये सब रेगुलर एग्जाम्स में आते हैं। तो रेडियो सक्रियता आज केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। बायोलॉजी में आज हम लोग कर रहे हैं एनिमल किंगडम। तो जितने भी एनिमल्स हैं उनका डिवीजन, प्लांट किंगडम हम लोग कर चुके हैं यानी पेड़ पौधों का वर्गीकरण, अब हम लोग आज एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। तो कौन मैमल है, कौन एप्स है, कौन पंछी है, कोई रेंगता है, कोई पानी में तैरता है, इसका डिवीजन यहाँ पे आपको दिखा देगा। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, कौन सा मैमल है जो अंडे देता है, मैमल तो बच्चे देते हैं लेकिन अंडे देने वाला मैमल्स कौन सा है, ये सब यहाँ पे आपको दिखा देगा। इसके क्वेश्चंस प्राइस रूप में देखते हैं कि रेप्टाइल्स में, सरीसृप में तीन उदाहरण दिया रहेगा, उसमें एक आपको सिलेंट्रेटा का डाल देगा या एप्स का डाल देगा और कहेगा कि इसमें से कौन रिप्टाइल नहीं है। तो ये सब आप समझें कि हम किस तरह से तीन पैर वाले, चार पैर वाले, अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले, जो जितने भी जीव हैं उनका विभाजन किस तरह से अलग अलग देता है, तो ये आप समझें। यहाँ पर आप करेंगे एनिमल किंगडम। उसके बाद हम लोग टॉपिक करते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 5 पेजेस अभी हम लोग ले रहे हैं, ये टॉप पेजेस आपको बढ़ेंगे, चूँकि एंशियंट भी आपको लेना है। एंशियंट का भी एनसीईआरटी हम लोग करेंगे, मॉडर्न एंशियंट, तो उसे भी लेकर आप रखें, वो भी चलेगा लेकिन अभी उसमें टाइम है। मॉडर्न खत्म करेंगे, एंशियंट पे हम लोग आएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है, लेकिन बुक्स आपको लेकर रखना है। एनसीईआरटी में आज हम लोग कर रहे हैं कि 18th century में, 18वीं शताब्दी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षा और संस्कृति और सामाजिक स्थिति कैसी थी वो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 5 पेजेस में। तो किस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण, पश्चिमी, उत्तर, पूर्वी भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, शिक्षा का स्थिति क्या था, कहाँ मातृसत्तात्मक प्रजा थी, कहाँ पर पैतृक समाज दिख रहा था, कहाँ पर शादी विवाह का क्या प्रचलन था, ये एग्जाम में आ जाता है। इसके क्वेश्चंस भी आपको देखेंगे जब आपको सेट प्रैक्टिस मिलेगा। तो ये आप करेंगे एनसीईआरटी। उसके बाद हम लोग आज बिहार का भी एक टॉपिक इंक्लूड कर रहे हैं। तो आज दो एक्चुअली इंक्लूड हो रहा है, एक बिहार स्पेशल हम लोग कर रहे हैं, जो एक ज़िले हम लोग कर रहे थे, उसके अलावा बिहार के टॉपिक्स भी इसमें अब लिए जाएंगे। आज पहला टॉपिक आपको बिहार का मिल रहा है, हम आपको क्राउन से दे रहे हैं, लेकिन आप केबीसी नैनो, इम्तियाज अहमद, जो भी आपके पास है आप उससे पढ़ें। टॉपिक है कि यूरोपियनों का बिहार आगमन। जैसे यूरोपियनों का हम लोगों ने भारत में आगमन पढ़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, यहाँ पर आप पढ़ें कि बिहार में कौन पहले आया, किस रूप में आया, क्या व्यापार कर रहा था। तो बिहार में यूरोपियनों का आगमन आप किसी भी बिहार स्पेशल के बुक से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर पेज नंबर हम क्राउन से दे रहे हैं। उसके बाद एक ज़िले हम लोग लेते हैं, आज हम लोग ज़िला ले रहे हैं मधुबनी। तो आज मधुबनी करेंगे, इससे पहले सीतामढ़ी हम लोगों ने किया था, यानी उत्तरी बिहार के ज़िले हम लोग पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप डिटेल्स लें कि किस तरह से मधुबनी के क्या विशेषता है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, उसके बाद कुछ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल हाईवेज, नदियाँ, ये सब यहाँ पे आप करेंगे। इस डिस्ट्रिक्ट को आप मैप पे पढ़ें और विकिपीडिया में जाके इसके डिटेल्स लें। साथ ही मैप आप ज़रूर लें, बिहार का मैप, और देखें कि कौन कौन से ज़िले से इसकी सीमा लगती है, नेपाल से कहाँ पर यह मिलता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण इसमें कुछ जीके जीएस निकल कर आता है। उसके बाद आज एक टॉपिक ऐड हो रहा है, जो हो रहा है इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी का पहला टॉपिक होता है भारत का संवैधानिक विकास। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आप यहाँ पे करेंगे। संवैधानिक विकास में किस तरह से भारत में कानून बनने से पहले, संविधान बनने से पहले की स्थिति क्या थी, यानी ब्रिटिश काल में किस तरह से कानूनों का निर्माण हुआ। भारत का पहला कानून रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में। उसके बाद से लेकर 1945 तक के जितने भी रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट आए, उसके बाद चार्टर एक्ट आए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, तो 1947 तक के सारे एक्ट्स आपको यहाँ पे समझने होंगे। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत सचिव का पद किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में निर्मित हुआ, तो बहुत सारे इसमें फैक्ट्स आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फर्टाइल टॉपिक है। तो ये आप हो गया पॉलिटिक्स। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो होता है प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण नहीं, चाहे आप क्रॉनिकल ले रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, चाहे आप घटना चक्र ले रहे हैं, चाहे कोई और ले रहे हैं, आप कोई भी बुक ले रहे हैं, उसमें हम लोग एक साल जनवरी से लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर्स। तो जनवरी का मतलब है कि आपको मैगजीन मार्च का लेना होगा,
तो मार्च के पीडी से यहाँ पर आज दूसरा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। पहला टॉपिक पिछले में था, इस बार हम लोग दूसरा टॉपिक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ पे करेंगे। तो आप जो भी मंथली मैगजीन लेते हैं, मार्च के मंथली मैगजीन में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप करें। अगर पीडी है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग उसे डिस्कस भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से 5 अस्थाई सदस्य, अस्थाई टेम्प्ररी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस में इस साल हर साल 5 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, चुने जाते हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थाई सदस्य और 15 अस्थाई सदस्य होते हैं। हर अस्थाई सदस्य 2 साल के लिए, हर साल 5-5 दो-दो साल के लिए चुने जाते हैं अस्थाई सदस्य। इस साल भी 5 अस्थाई सदस्य टेम्प्ररी मेंबर्स चुने गए। तो देश कौन से चुने गए, ये बीपीएससी में 5 साल पहले आ चुका है। उन पांचों देशों का नाम दे दिया और दूसरे देशों का भी नाम था, आपको करेक्ट करना था ये कौन सा है। इस बार भी यहां पर आपको दिखाई देगा 5 नए अस्थाई सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में नियुक्त हुए, चुने गए हैं। वो कौन है वो आपको जानना चाहिए। साथ ही यहां पर 26 जनवरी में कौन मुख्य अतिथि थे उसके डिटेल्स, उसके बाद चंद्रमा के बैक साइड में जो अंधेरा हमेशा रहता है वहां पर चाइना का कौन सा सैटेलाइट उतरा है, कौन सा चाइना ने वहां पर क्या उपलब्धि हासिल की है, ये सब आपको डिटेल देखा। साथ ही नॉर्वे की प्रधानमंत्री यहां पर आपको दिखाई देंगी, हमारे प्रधानमंत्री के साथ पिक्चर है और ये इस बार एग्जाम में अभी दिखाई दिया। इस बार जो एग्जाम हुआ संभवतः एसएससी का एग्जाम था, हम एग्जाम का नाम बोल रहे हैं, उसे पूछ दिया था कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम पूछा, नाम दे दिया और दिया कि ये किस देश के प्रधानमंत्री है। तो ये पिक्चर के साथ यहां पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ आपको इनका दिखाई देगा। तो ये आप ये सब डिटेल्स करें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो ये आज के इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल चुके हैं, ये सब कंप्लीट करें। तीसरे दिन, दो दिनों के बाद आपको तीसरे दिन यानी आज हो चुका है 24 तारीख, तो 25, 26, 27 को आपका नया टॉपिक आएगा, छठा एपिसोड। तब तक आप मेहनत करें, टॉपिक काफ़ी मिल चुके हैं, अच्छे से पढ़ें ताकि आपके क्वेश्चन इस पर जो सेट मिले उसे बन जाएँ। टेक केयर।